बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी कि एक दिन उसको दिल में तकलीफ का एहसास हुआ, और जब उसने काहिरा की सबसे बड़े अस्पताल में अपना इलाज करवाया तो उन्होंने माजरत करते हुए उसे यूरोप जाने का कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवा कर मिस्र वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था, जब उसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़े को जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा कि तुम इसे क्यों जमा कर रही हो। औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की ज़िद कर रहे थे, क्योंकि मेरा शोहर मर चुका है और कमाने का कोई ज़रिया भी नहीं, इसलिए मैंने बच्चों की ज़िद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। इस फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है, जिसे साफ़ करके पका लूँगी। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो बस चंद दिन का ही मेहमान हूँ, मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए इससे अच्छा और क्या होगा। उसने उसी वक्त इस औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया। कसाई से कहा कि इस औरत को पहचान लो, ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस वाक़े के बाद वो शख्स अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन बाद उसे दिल में किसी तकलीफ़ का एहसास ना हुआ तो उसने काहिरा में मौजूद लेबॉरेटरी में दोबारा टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेकअप करवाएं। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहाँ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके दिल में कोई खराबी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो गई। उसे वो गोश्त वाली बेवा याद आई। उसने मुस्कुराकर कहा कि इलाज वहाँ से हुआ है जिस पर तुम यकीन नहीं रखते, बेशक मेरे नबी ने सच कहा था कि सदका हर भला को टालता है। इसे शेयर करना आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।